जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं श्री राम जी का AI वर्जन में जो एक पिक्चर निकला था उसका ड्राइंग किस तरह से करते हैं आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको किस तरह से बनाते उसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फ्री हैंड किस तरह से बनाते हैं आपको ऑलरेडी मालूम है, बल्कि हम यहाँ पर थोड़ा सा श्री राम जी के बारे में हम जानेंगे। जिसको नहीं पता कौन है तो इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलेगा श्री राम जी कौन थे। हम सब ने तो रामायण थोड़ा सा पढ़ा है या फिर देखा है, तो वो जो रामायण था वही राम के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उनकी कथा रामायण बहुत प्रसिद्ध है। रामायण भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें श्री राम जी के जीवन की कथाएं लिखी गई है। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा दशरथ था और माता का नाम कौशल्या था। श्री राम जी बचपन से ही बहुत धर्मी, समझदार और सुंदर थे। वे अपने गुणों के कारण सबके दिलों में बस गए। एक दिन राजा दशरथ ने श्री राम को अपने युवावस्था में अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकी और कैकिया नामक रानियों ने उनके पत्ते से अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की इच्छा जताई। यद्यपि इससे श्री राम जी को अयोध्या छोड़कर वनवास जाना पड़ा, लेकिन वे अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वन में चले गए। वनवास में श्री राम जी के साथ सीता माता और लक्ष्मण भी थे। उनकी यात्रा में वे राक्षसों जैसे रावण, हम सभी लोगों ने सुना होगा रावण कौन थे, सूर्पनखा और मेघनाद के साथ मुकाबला करते हैं। श्री राम जी का सबसे विशेष मित्र हनुमान जी है। हनुमान जी एक वानर योद्धा है। हनुमान जी ने श्री राम जी को सेवा की और उन्हें बहुत प्यार किया। वे श्री राम जी की मदद के लिए अयोध्या से लंका तक जाते हैं और उनकी विजय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्री राम जी के द्वारा राक्षस राजा रावण का वध किया जाता है और सीता माता का सुरक्षित रूप से वापस लाई जाती है। अंत में श्री राम जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं और वहां उन्हें उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और उनके भक्तों के साथ खुशी से स्वागत किया जाता है। वे अयोध्या के राजा बनते हैं और अपने प्रजा की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। श्री राम जी की कथाएं हमें धर्म, सत्य, न्याय और प्रेम के महत्व को सिखाती है। उनकी मिसाल हमें सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हमेशा श्री राम जी के जीवन की कथाओं से प्रभावित होकर अच्छे बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला राम कौन थे और ड्राइंग किस तरह से करते हैं, इस तरह का और ड्राइंग वीडियो देखने के लिए जो मेरा चैनल है एक बार देख लेना। पसंद आए तो दिल से सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।